गाइस, आई एम सोनम एंड टुडे आई एम यूजिंग सोना क्राफ्टिंग एंड क्रेजी आइडियाज। आप लोग देख सकते हो मैंने बनाया ये वाला कलर। सो ये कलर जो है, मैंने ब्लू कलर जो होता है क्रेयॉन कलर, उसको मैंने लिया, एक स्पून के अंदर रखा और उसके अंदर डाल दिया मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल एंड सम ड्रॉप ऑफ वाटर। एंड उसके बाद जो मैंने रखा ना, उसके मतलब कि गैस के ऊपर रखा, सो जो वो कलर था ना, मतलब जो उसका जो कोकोनट ऑयल था उसे मतलब कि छिटकने लगा था। तो फिर मैंने उसमें कोकोनट ऑयल निकाल दिया था, उसमें मतलब कि थोड़ा सा रह गया था एक ड्रॉप, और उसके अंदर कलर भी रह गया था ये ब्लू कलर। सो वो दोनों इसके अंदर मेल्ट हो गए। एंड मेल्ट होने के बाद मैंने इसको जब मतलब कि ड्राई कर दिया, सो ये बना है एंड ये थोड़ा बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। सो ओके गाइस, फिर मैंने इसे फॉक से निकाला और फिर इसे स्मूथली मर्ज किया। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर पता नहीं तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। इसी से मैंने सीखा था, ये रफली सा कोई भी गंदा सा पेज है, एक रफली कॉपी रखी थी तो मैंने ले ली। एंड ये है हमारा वही जो मैंने इन कलर से किया है, होममेड से किया है इसको, और इसको किया होममेड से। एंड अब हम करेंगे इसको इसको इधर, बिकॉज मैं सोची कि ज़्यादा पेज नहीं वेस्ट करते हैं, यही कलर डालते हैं ज़्यादा। तो फिर तो मतलब कि दोनों के कंपेरिजन में मुझे ना दोनों ही बेस्ट लगे, बट ये देखो यहाँ पे कितना स्मूथली यहाँ पे मर्ज हो गया है, यहाँ पे थोड़ा अच्छा आ गया था, तो कितना स्मूथली मर्ज हुआ है। आई नो ये पूरा वाइट पेस्टर के तरीके या फिर वाइट पेस्टर के तरीके नहीं मर्ज हो पाता है, बट क्रेयॉन्स तो होने के हिसाब से ये इतना अच्छे से मर्ज हो जाता है कि मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक लगे। 50% आपको ये वाइट पेस्टर दिख सकता है, ये देखो दोनों के कंपैरिजन में मुझे ये थोड़ा सा ना हल्का सा थोड़ा सा ये ज़्यादा निकलता है इस कलर्स में से, ज़्यादा थोड़ा सा निकलता है। एंड ये भी दोनों बेस्ट, दोनों एक ही जैसे हैं, बस कोई डिफरेंस नहीं है। बट ये है कि अगर आप इसको अपने हैंड से ज़्यादा मर्ज करते हो तो ये उतना भी ज़्यादा निकलता है, बट इसमें थोड़ा सा ऑयल आ गया है तो मे बी उसी से होता है ये ऐसे मर्ज। पड़ेगा एक बनाया था तो वो पूरा ना जाके आधा पैकेट में मतलब कि जो मैंने बनाया था एक पेपर से बनाया था, उसी के अंदर आधा मतलब कि उसके किनारे साइड साइड पर हो गया, तो वो वेस्ट हो गया था, वो लगता है इतना सा बना हमारा छोटा सा पीस इसके बराबर में, एंड आधा तो स्पून ही में लग गया था, इतने में मैंने बनाया था। एंड अब ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा डार्क चलता है। एंड ये है जो मतलब किसी हैंड से आराम से पकड़ सकते हैं, बिकॉज एंड इसे हम नहीं कर सकते क्योंकि मैंने इसे इतना छोटा सा बनाया है, ये डार्क चलता है। एंड ये हल्का सा जैसा कलर है ये जैसा है वैसा चलता है, बट ये थोड़ा सा डार्क चलता है, जैसे कि आप देखते हो, आपको दिखाते हैं, देखो मैं ऐसे खड़ा नहीं रही हूँ, पता नहीं क्यों हो रहा है, जैसे जिसके कंपैरिजन में ना गाइस डार्क चलता है। एंड ये है जो मतलब कि जिसमें कलर दिया है, इसे पकड़ने में आसानी होती है, जैसे इसे अगर आप ज़्यादा डार्क करना चाहोगे तो ऐसे होगा, बट अगर आपने इसको डार्क किया तो इसके बस ये इसके कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा डार्क है बस। ओके, सो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना।